रिश्ते की बर्खास्तगी की मांग को लेकर मिथिलांचल बन रहा सफल। विश्वविद्यालय बचाओ संघर्ष मोर्चा। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में नियुक्त कुलपति की नियुक्ति में अनियमितता। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के कुलपति की बर्खास्तगी की मांग। स्नातक तृतीय खंड व स्नातकोत्तर प्रथम व तृतीय सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम प्रकाशित करने सहित बिहार के उच्च शिक्षा को बचाने के लिए विश्वविद्यालय बचाओ संघर्ष मोर्चा के द्वारा आहूत मिथिलांचल बंद सफल रहा। मिथिलांचल बंद को कई राजनीतिक सामाजिक संगठन के नेताओं का समर्थन प्राप्त हुआ। दरभंगा में दरभंगा से नई दिल्ली जाने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस को स्टेशन पर करीब 12 मिनट तक रोक कर रखा गया, जिसका नेतृत्व मयंक कुमार यादव, शरद कुमार सिंह, दीपक झा ने किया। कार्यकर्ता नारा लगा रहे थे। भ्रष्ट कुलपति कुल सचिव की नियुक्ति और उनके कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातक तृतीय खंड और पीजी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट अविलंब प्रकाशित करने के सवाल पर और कुलपति और कुल सचिव का जो पूरा भ्रष्टाचार है जिसका संरक्षण कुलाधिपति तक प्राप्त है, इन तमाम सवालों को लेकर के विभिन्न सहायक संगठनों के द्वारा विश्वविद्यालय बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले हम लोगों ने मिथिलांचल बंद किया। मिथिलांचल बंद से पूर्व हम लोगों ने कई कार्यक्रम किया, लेकिन सरकार और राजभवन दोनों हमारे आंदोलन को अनसुना करने का काम किया है, तब आज हमने मिथिलांचल बंद का कॉल दिया और मिथिलांचल बंद को बड़े पैमाने पर पार्टियों ने भी समर्थन दिया और विश्वविद्यालय पूरी तरह से ठप रही। समस्तीपुर जाम है, बेगूसराय जाम है, मधुबनी जाम है और कुल मिला के जो छात्रों का सवाल है, जो उस शिक्षा का सवाल है, जो अब नागरिकों का सवाल बन गया है, उस सवाल पर आज का बंद सफल रहा है। हम ये मांग कर रहे हैं कि आप अविलंब ऐसे भ्रष्ट कुलपति कुल सचिव को बर्खास्त कीजिए, नहीं तो आने वाले समय में होने वाले सिंडिकेट की बैठक, सीनेट की बैठक को प्रभावित करते हुए हम राजभवन भी मार्च करेंगे, नहीं तो आप अविलंब कार्रवाई करिए। चूँकि जिस तरह का काम कुल सचिव ने बदले के भाव से विश्वविद्यालय में किया है, कुलपति ने मुनाफा कमाने के लिए किया है, ये उस शिक्षा को बर्बादी की ओर ले जाता है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज मिथिलांचल बंद सफल रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में हम इससे भी बड़े आंदोलन की तरफ जाएंगे। संघर्ष मोर्चा के द्वारा अनवरत मिथिला विश्वविद्यालय के जो कुलपति और कुल सचिव है, जिसपे भ्रष्टाचार का कई गंभीर आरोप लगा हुआ है और यहाँ जो छात्रों का मूलभूत समस्याएं है, स्नातक तृतीय खंड का लंबे समय से रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ है, पीजी के प्रथम और थर्ड सेमेस्टर के छात्रों का रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ है, छात्रों का क्लास नहीं चलता है, सही रूप से यहाँ छात्रों का शिक्षण का काम नहीं होता है, जिसको लेकर के विश्वविद्यालय बचाओ संघर्ष मोर्चा के तहत विभिन्न छात्र संगठन के लोग लंबे समय से आंदोलनरत है। उसी कड़ी में आज 15 तारीख को पूरे मिथिलांचल बंद का आह्वान किया गया था और इस बंद के माध्यम से बिहार सरकार और राजभवन जो भ्रष्ट कुलपति और कुल सचिव को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, उनको हम लोग आज के बंदी से ये मैसेज देना चाहते हैं, जो अविलंब आप ऐसे करप्ट वीसी और रजिस्ट्रार को हटाइए, अन्यथा छात्र हित में उच्च शैक्षणिक संस्थान मिथिला विश्वविद्यालय को बचाने के लिए हम छात्रों का आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। आज का बंदी मिथिलांचल का पूर्ण रूप से हम लोगों का सफल रहा, जगह जगह हम लोगों के समर्थन में विभिन्न पार्टियों ने भी सड़क पे उतरी है और बंद को पूर्ण रूप से सफल बनाया है, एक संदेश दिया है, जो उच्च शैक्षणिक संस्थान मिथिला विश्वविद्यालय को अगर बर्बाद किया जाएगा बाहरी कुलपति के द्वारा, यहाँ के शिक्षा माफियाओं के द्वारा, तो इस चीज को मिथिला के छात्र, नौजवान, यहाँ के पॉलिटिकल पार्टी, बुद्धिजीवी, प्रोफेसर, कर्मचारी बर्दाश्त। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी, तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।